तलाल साहब, प्रोग्राम बिल्कुल एंड पे है। अदम इत्माद आपने लानी है या नहीं लानी है आज इस वाजिब बात को करके? नहीं, गैर यकीनी पैदा की सर आपने। सर सर सिर्फ अदम इत्माद नहीं लानी, नया इलेक्शन भी आना है और नवाज शरीफ ने आके नया इलेक्शन में हिस्सा भी लेना नवाज है। शरीफ ने तो भी नहीं आना, चले छोड़े खैर वो। मैं गुजारिश करूँ, अदम इत्माद के बाद पहला काम नून लीग जो है उनकी वापसी की तैयारी करेगी और अगला इलेक्शन भी अदम इसी इत्माद के बाद उनकी वापसी की तैयारी वो करेगी, तो देखे अदम ना, इत्माद की तारीख दे वो दें। टाइम बड़ा करीब है ना, असी कोई कितने दिन? वो 5 दिन, दूसरे 7 दिन, 8 दिन, दस अदम दिन इत्माद, नया इलेक्शन इंशाल्लाह ताला इसी साल, और ये कुछ साल के सर अब मार्च के महीने में अदम इत्माद आ जाएगी, डेफिनेटली ना तेई जी मार्च से पहले आ सर, मार्च जाएगी। के बच्चों का रिजल्ट आना होता, इन्हों का तो पहले आया पे आ जासी, 100% ये लिख लेना इनके तलाश सर, करने हंड्रेड जाओगे। परसेंट तेई हंड्रेड मार्च ले परसेंट दिया जी, तेई मार्च से पहले। सर देखो ना, रोज़ कोई ना कोई बहाना कर देंगे, अज कारपेट नहीं है कौमी असेंबली दे, अज असी सीटा चुक लिया वा, असी अज चार दफा इजलास पोस्टपोन किया है। लो जी, आपने इजलास रिक्वेजेशन किया? मैं बिल्कुल देखे ना, आपने नहीं किया? करेंगे नहीं, करेंगे बिल्कुल, आप अभी रिक्वेजेशन मैंने में कहा जमा अभी कराए? अभी अभी इस इसी इंशाल्लाह ताला ये सारे रिजल्ट नून लीग ने अपने अरकान से रिक्वेजेशन सर दस्तखत जी, करवा के जेब में डाल के पहली रखी हुई है, जमा नहीं करवा रही अभी इंशा तक। अल्लाह मेहरबानी करे पहली सहरी जो है ये इंशाल्लाह सियालकोट जाके करेंगे, पहली सहरी पे चलेंगे, वो अप्रैल दे महीने वो चलेंगे, पहली वो ना पहली दी गल कर रहे हैं अप्रैल दे महीने इंशाल्लाह। चलेंगे। और मेरी गुजारिश है, ओ सर जी, ब्रेक लाओ, कितने देखे मार्च ही। मलिक साहब जो मामला है ना, देखिए मामला सिर्फ अदम इत्माद का नहीं है, हम जल्दी इलेक्शन आप चाहते भाग रहे हैं अदम हैं। नो इत्माद नो से, नो नो नो, हम जल्दी इलेक्शन चाहते हैं, आप भाग रहे हैं अदम मल्टी इत्माद से। मल्टी पार्टीज है, हम उनको सबको ऑन बोर्ड कर उस्मान रहे डार हैं, साहब, हम हाँ माइनस पीटीआई इस मुल्क में एक कंसेंसस पैदा कर ये अब रहे सियासी हैं। बयान पे आ गए नहीं हैं, नहीं नहीं अदम इत्माद की मलिक कोई साहब तारीफ गल, नहीं है। मैं जे ना आया मैं तो पहले क्या वा कि मैं इदा आके माफी मंगनी, मैं तुम्हें पहले तेई क्या, मार्च तो पहले जे ना ही थे, मैं कह रहा जी अदम इत्माद ही ना आया और ना आ रहे थे दिन दस जो तेई मार्च सर, तो पहले आज पहले सर गुजारिश सुनो आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला अदम डेट इत्माद कोई भी नहीं जी। कामयाब, नहीं नहीं इन्नी भी कोई लंबी नहीं, इन्हों नू इन्ना ना खुश करो, ए गर्मियां के कपड़े इन्होंने कड़ ले, ही कर जाएंगे बस अल्लाह खैर रखे, फिर तो अगला इलेक्शन ही आसी होने 2023। 23। ये मैंने बता दिया कि पीएम विल स्टे ऑन द विकेट टिल 18 अगस्त 2023। ठीक पीएम, है, इन्हें ये नहीं पता पीएम केड़ा पीएम, वो भी नाल लिख लो। अच्छा सुनो, कोई तो पीएम मैं जो असल बात जवाब करने मांगो, लगा, कोई प्राइम मिनिस्टर मैं ये ना भी कह हो रहा सकते था थे। इसका हौसला है वैसे पाकिस्तानियों, तलाल चौधरी का ऊपर से तो कह रहा है कि तरीके तुम्हें तो बात कामयाब होगी, इसी साल इलेक्शन होंगे, अंदरों दुआवा पे मांग रहा है या अल्लाह इमरान हाँ टाइम पूरा कर ले, क्योंकि जो नहली की तलवार इन पर लटकी हुई है वो 23 तक है, तो भरा दे बाहर हो जाएगा इलेक्शन से, इन्होंने की फायदा होना है तलाल चौधरी, अंदरों पूरी दुआवा ने पीटीआई गवर्नमेंट टाइम पूरा आ रही है कि नहीं। एक जुमला, प्रोग्राम खत्म हो गया, आ रही है कि नहीं आ रही? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट।